हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का वेलकम है टेक अमृत के एक नए एपिसोड में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जो फेसबुक एड्स होता है ना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए थे, फेसबुक एड गूगल एड, तो आज हम बात करेंगे कि फेसबुक एड्स क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। उसके लिए मैं 5 आपको ऐसे बेनिफिट्स बताऊँगा जो कि फेसबुक एड्स को यूज़ करने के बाद हमें मिलते हैं। तो वो कौन से 5 ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें फेसबुक एड्स को यूज़ करने के बाद मिलते हैं, तो अगर आपको वो जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फेसबुक एड्स होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। ये पहले तो ये समझते हैं कि जो फेसबुक एड्स है उसके थ्रू हम ऑनलाइन एक तरीके से अपना एडवर्टाइज करते हैं। वो अपने हम प्रोडक्ट का हो सकता है या कुछ भी चीज़ हो, वो अगर हम एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो वो हम फेसबुक ऐड के थ्रू हम सिंपली वहाँ से कर सकते हैं। हम गूगल ऐड से भी कर सकते हैं, बट हम फेसबुक ऐड से हमें क्यों करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो हम जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, मैं बताऊँगा, तो चलिए वो बता ही देता हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट कि यहाँ पर टारगेट ऑडियंस, यहाँ पर आपको ऑडियंस को टारगेट करना होता है, जो कि एक बहुत ही इजी वे होता है, जिसमें आप 3 चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में जानोगे। क्रिएट ऑडियंस क्या होता है, कस्टम ऑडियंस क्या होता है, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है, ये सब आप प्रैक्टिकली समझोगे कि किस तरीके से इनको सेटअप किया जाता है, इन फिर एड रन किए जाते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें होती है वो तो आगे की बात है। बट मैं आपको एक तरीके से थोड़ा सा मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से कि ये होता क्या है। कि जब यहाँ पे आपको ऑडियंस को टारगेट करने को, आप ऑडियंस को जाकर टारगेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको 18 से 19 एज के लोगों को टारगेट करना है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोकेशन के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ऑडियंस को टारगेट करने को मिलता है वो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। आपको जिस भी तरीके की, आपको मेल चाहिए, मेल को टारगेट करना है, फीमेल को टारगेट करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजी वे में कर सकते हो, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। और अब हमने ऑडियंस तो टारगेट कर लिया, बट ट्रैफिक कैसे लाएं? तो जो फेसबुक ऐड होगा ना, वो बहुत ही बढ़िया मतलब माध्यम है जहाँ से हम बहुत ही इजीली और बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो और ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से पा सकते हैं। अगर हम कोई भी ऐड रन करते हैं फेसबुक पे तो वो हमें जल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिवली ऑडियंस को रीच करने का एक तरीके से अवसर देता है और हम ज़्यादा लोगों तक वहाँ से रीच कर पाते हैं, और जो कि बहुत ही इजी वे होता है, साथ ही बहुत ही सस्ता भी होता है, जो कि हमने बात भी की थी जब हम कंपैरिजन कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो ये आपकी जो ट्रैफिक को ड्राइव करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि आप यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक पा सकते हो, और साथ ही कम अगर आपके पास बजट उतना नहीं है तो आप कम बजट में भी यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक पा सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कॉस्टली नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो आप फेसबुक ऐड का यूज़ कीजिए, ताकि आप वहाँ से बहुत ही कम मनी में वहाँ से आप अपना ऐड रन कर सकते हो, जो कि से आपको अच्छी ट्रैफिक मिलेगी। जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको फास्ट रिजल्ट देता है। आप जब भी ऐड रन करोगे तो ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देने में ये विश्वास रखता है, और साथ ही आपको इसके बहुत जल्दी, जब भी आप जैसे आप अगर कोई ऐड क्रिएट करते हो तो उसमें आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसको आप बहुत जल्दी एनालाइज कर सकते हो। और इसका जो अगला पॉइंट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो आप एनालाइज यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हो, इजी ट्रैकेबल होता है ये। तो चौथा पॉइंट तो यही हो गया कि बहुत ही आसानी से आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, ऐड रन लगा रहे हो, वहाँ पैसा लगा रहे हो, तो आपको ट्रैक करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रैक करना ही आना चाहिए। और अगला पॉइंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये बजट फ्रेंडली होता है, कि यहाँ पर आपको बहुत ही चीप
मतलब आपको जो एड आप रन करते हो तो वो बहुत ही सस्ते होते हैं एज कंपेयर विद गूगल एड्स। तो फेसबुक एड हमें इसलिए, तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो और भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।